हमारा जो माशरा है ना वो खराब हो चुका है, वो तबाही की तरफ जा रहा था ना पहले, अब पहुंच चुका है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को आउट ऑफ सिटी से भेज सकते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ाइयाँ यहाँ पे हो ही नहीं रही, पढ़ाई के नाम पे किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ जिसको देखो वो नशा कर रहा है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाइयाँ है तो यूनिवर्सिटी होगी ना, इवन दैट कि ये स्कूल का वाक्य है, जबकि हम स्कूल में होते तो ऐसी चीजें नहीं थी। हमारे वक्त तो और थे, पाकिस्तान बहुत तरक्की कर चुका है, 2-3 साल में इतनी तरक्की कर चुका है ना, हमें लगता है जैसे हम बहुत बड़े हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल अलायंस के साथ मैं आपके मेज़बान अमारा वर्टू। लाहौर के इलाके डिफेंस में एक निजी स्कूल में तलबा पर तशद्दुद की वीडियो वायरल, जहां तलीमी अदारों में वालदैन अपने बच्चों को इल्म हासिल करने के लिए भेजते हैं, अगर वही तलीमी अदारे मंशियात का अड्डा बन जाएँ तो। इसी हवाले से हम पब्लिक से उनके रिव्यूज़ लेंगे कि उनका क्या ख्याल है। सनम, आपने ये वीडियो देखी होगी जो डिफेंस के इलाके में एक निजी स्कूल में तलबा पर तशद्दुद किया जा रहा है कि वो नशा नहीं कर रही, बाकी सहेलियाँ कह रही कि आप नशा करो, तो आप क्या समझती है, क्या ये बात दुरुस्त है? देखो, सबसे पहले तो नशा करना एक बहुत ही बुरी आदत है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों पर फोकस नहीं ना करते फिर बच्चे स्कूल में जाके ये हरकतें करते हैं। सबसे पहले माँ बाप को नज़र रखनी चाहिए, माँ बाप अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, हाँ जी अलग से रूम दे दिया, अलग से मर्जियाँ करने लग गए, सबसे बड़ी गलती इसमें माँ बाप की है। और सेकेंड बात ये, अगर कोई बंदा नहीं कर रहा तो आप उस पर तशद्दुद क्यों कर रही हैं? आपकी मर्जी है ना, आप जो करना चाहें। उनके वालिद ने जब FIR दर्ज करवाई उसमें लिखा था कि मेरी बच्ची ने जब ये नशे में थी तो उनकी वीडियो बनाई और वीडियो बना के उनके पेरेंट्स को भेजी, अगले दिन जब वो आई है तो वही लड़कियों ने उस पर तशद्दुद किया, तो आपको लगता है कि उसमें लड़की की गलती है? क्या लड़की पे तशद्दुद होना चाहिए था? लड़की की बिल्कुल भी गलती नहीं है, अब पेरेंट्स बीच में आ रहे हैं, सबके पेरेंट्स अपनी अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं, तो पेरेंट्स पहले कहाँ थे? अगर उसकी गलती, हाँ उसने अगर किसके पेरेंट्स को भेज दी वीडियो बना के तो वो तो अच्छा काम कर रही है ना, अब तुम उस पर तशद्दुद क्यों कर रही हो? सिंपल सी बात है, हमारा जो माशरा है ना वो खराब हो चुका है, वो तबाही की तरफ जा रहा था ना पहले, अब पहुंच चुका है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को आउट ऑफ सिटी से भेज सकते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ाइयाँ यहाँ पे हो ही नहीं रही, पढ़ाई के नाम पे किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ जिसको देखो वो नशा कर रहा है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाइयाँ है नहीं है तो वही पढ़ाई, वो तो यूनिवर्सिटी होगी ना, इवन दैट कि ये स्कूल का वाक्य है, जबकि हम स्कूल में होते तो ऐसी चीजें नहीं थी। हमारे वक्त तो और थे, पाकिस्तान बहुत तरक्की कर चुका है, 2-3 साल में इतनी तरक्की कर चुका है ना, हमें लगता है जैसे हम बहुत बड़े हो गए हैं। अभी कोई लड़की यहाँ पे स्मोक कर रही होगी ना, वो बड़े फखर से बताएगी, हाँ मैंने वेप पिया था, मैंने शीशा पिया था, वो दूसरे से लिखेगी, है तुमने पिया था, मैंने भी पीना, मुझे भी पिलाओ, ये हो रहा है आजकल। हमारी माँ ने तो एक हमारी जो तरबियत की, तो जो आइंदा जनरेशन आ रही है जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, आपको लगता है कि आइंदा हम एक अच्छी जनरेशन या अच्छी कौम आगे अपने मुल्क को दे सके? तो अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स समझाना, हमारे बच्चे हमें बच्चे समझेंगे, वो हमारे पेरेंट्स होंगे, ये दौर है आगे। एट देन क्या मैसेज देना चाहेंगे इंतजामिया को, हुकूमत को, वालदैन को? बस नजर रखनी चाहिए, एहतियात करो, बच्चा तुम्हारा क्या कर रहा है, अगर वो स्कूल माँ बाप भेज रहे हैं तो जाहिर बात है वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, टीचर को गौर करना चाहिए कि बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, बच्चा किस तरफ जा रहा है, क्या नशा कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तो बस गौर करना चाहिए, जब तक आप नजर नहीं रखेंगे कुछ नहीं कर सकते। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आपने रिसेंटली जो वीडियो वायरल हुई थी यकीनन देखी होगी, वो नशे से रिलेटेड, नशे से रिलेटेड की लड़की उस पर तशद्दुद कर रही, तो आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराते, इंतजामिया को या वालदैन को? मैं जिम्मेदार वालदैन तो खैर कोई भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ऐसे करें, लेकिन मेरे ख्याल से माहौल जहाँ पे वो बच्चियाँ जा रही हैं, अब वो स्कूल में जा के ये काम कर रही हैं, ओब्वियसली स्कूल वाले पूछने वाले नहीं होंगे, स्कूल में उस पाबंदी नहीं होगी इन चीज़ों पे, वो इजाज़त देते होंगे तो लेके जाते होंगे, जब हम लोग स्कूल जाते थे कभी मोबाइल नहीं थे स्कूल में कोई लेके जाने देता, अब वो नशा लेके जा रही है। मंशियात का अड्डा बन चुका है तलीमी अदारा, आपको लगता है? जी बिल्कुल, अब उनको इजाज़त है तो वो लेके जा रही हैं, अगर बच्चों की चेकिंग होती हो पहले नंबर पर तो स्कूल लेवल पे बच्चों को इन चीज़ों का पता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वो नशा कर रही हैं और साथ तशद्दुद कर रही हैं कि उससे भी बेचारे को फोर्स कर रही हैं कि आप भी करो, ये तो बहुत गलत बात है। ऐसे ही आपको लगता है आइंदा जो जनरेशन, अभी जो हरकत हो रही है, आइंदा जो जनरेशन आएगी उनमें हमें एक अच्छी कौम मिलेगी, माएँ अच्छी कौम दे सकेंगी? देखें, वालदैन की जो कोशिश होती है उनकी तो यही होती है, वो पूरी जान अपनी लगाते हैं कि परवरिश बच्चे की। अगर वालदैन इस तरह के हो जो नशे में मुनव्वस हों, वो तो खैर बच्चों की परवरिश फिर भी मेरे ख्याल से उनकी भी होती होगी कोशिश कि वो बच्चों को जो है ना अच्छा प्रोटेक्ट करें, और वालदैन किसी तरह के भी हो ना, वो बच्चे के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते, कभी भी बुरा नहीं सोच सकते, लेकिन अब आप देख लेंगे अभी से ये लोग कर रहे हैं बच्चे ये काम, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, वैसे जो बच्चे हैं वो तो वैसे इन गलत चीज़ों को बहुत जल्दी पिक करते हैं, बच्चा पैदा होता है तो थोड़ी देर बाद कह देते हैं जी इसको मोबाइल दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तो बच्चे वही सीख रहे हैं, ऑब्वियसली जो हम लोग देखेंगे करना भी तो वही है। एट द एंड आप
ऐसे बच्चों जो बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं उनके वालदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, इंतज़ामिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना कि पहले तो अपने बच्चों को जो है ना अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, वालदैन को चाहिए, वो तो ऑब्वियसली रखते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से रात को खास करके 7-8 बजे के बाद बच्चों को बाहर नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि बच्चे ख़राब होते हैं मेरे ख्याल से। और स्कूल की इंतज़ामिया को चाहिए कि सख्त पाबंदी की, मेरे ख्याल से दोबारा उधर कोई ऐसा करेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी उनको नेक्स्ट टाइम के लिए भी केयरफुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सिद्रा। सिद्रा, हमारा सवाल ये है कि अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई है जो आपने देखी है, जहाँ पे जो कुछ लड़कियाँ मंशियात मतलब इस तरह के कर रही हैं, नशे वगैरह, और दूसरी लड़की पर तशद्दुद कर रही हैं, जबकि वो एक तालीमी अदारा है जहाँ वालदैन अपने बच्चों को इल्म हासिल करने के लिए भेजते हैं। तो ये जैसे कि हमारे मॉडर्न लोग हैं, उनके बच्चे हैं, बिगड़ी औलादें हैं, तो उन्होंने उस बच्चे पर तशद्दुद किया कि वो नशा नहीं करती, तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पहले पॉइंट ऑफ व्यू ये कि जो स्कूल की अथॉरिटीज़ हैं उनको पता होना चाहिए, स्पेशली चाहे आप जितने मर्जी मॉड हो चुके हो, जितने मर्जी आप ब्रॉडर लेवल पर स्टडी कर रहे हो, या जितना मर्जी आप हायर एजुकेशन हासिल करो, अच्छे अमीर तरीन स्कूल में पढ़ो, स्पेशली इन डिफेंस, तो आई थिंक चूँकि जो आपके राइट्स होते हैं, जो आपके मॉरल्स होते हैं, आपको उनको डाउन नहीं करना चाहिए, ठीक हो गया। एंड जो स्कूल की अथॉरिटीज़ उनको चेक करना चाहिए कौन से लोग जो है वो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, ड्रग्स किस तरह से आ रहे हैं, ये सारा सिस्टम होना चाहिए, ओके। एंड सेकेंडली कि जो लड़की ड्रग नहीं यूज़ करती है उसको उन्होंने मारा है, तो वो शो करवा रही है ना, देखें कि जाहिर उसकी कंपनी, आई थिंक चूँकि उसकी कंपनी ठीक नहीं है। लड़की के वालदैन ने FIR दर्ज करवाई है, जिसमें उसके वालद साहब का कहना है कि मेरी बेटी ने इनको नशे के दौरान इनकी वीडियो बनाई और इसके घर तक पहुंचाई, तो जिसकी वजह से उल्टा उन लड़कियों ने तशद्दुद किया कि वीडियो हमारे घर तक क्यों पहुंचाई, तो आपको लगता है कि वो बच्ची की गलती है? नहीं, वो बच्ची की गलती नहीं है, देखिए किसी ना किसी तरीके से तो उनके पेरेंट्स को पता चलना ही था, एंड डेफिनेटली अब अगर उनके पेरेंट्स को पता चल चुके तो मेरे ख्याल में अब पेरेंट्स भी यही सोच रहे होंगे कि शायद हमने अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दिया, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हुए हैं, डिप्रेशन में चले गए, दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग द ड्रग्स। जैसे कि मोस्टली देखा जाता है पसमानदा इलाकों से लोग उठकर यहाँ पे आते हैं बच्चियों को पढ़ाने के लिए, मोस्टली हॉस्टल में भी बच्चियाँ रहती हैं, जब इस तरह के दिन ब दिन वीडियोज़ वायरल होती हैं, ज़ाहरी बात है सोशल मीडिया का दौर उन तक पहुँचती होंगी, तो आपको नहीं लगता कि उन बच्चों के लिए ये एक बहुत ख़तरनाक साबित होती हैं, जो बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं? देखिए यार, ये ना आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है, सही हो गया। अच्छे बुरे लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि अगर जहाँ पे अच्छे हैं तो मैं सिर्फ अच्छी जगह पे ही जाऊँगी, जहाँ पे बुरे हैं मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। हो सकते हैं आपके साथ खड़े होने वाला इंसान कैसा हो आप उसके बारे में नहीं जानते हो, ये आपकी खुद की पर्सनैलिटी होती है, आपको खुद का ज़मीर होता है जो आपको बताता है कि आपने क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है, तो आपके जो पेरेंट्स होते हैं ना स्पेशली, वो आपको ये गाइडेंस देते हैं, एंड स्पेशली वो आपको सपोर्ट करते हैं, अगर उन्होंने आपकी जो कह लेंगे जो ब्रॉटअप है ना वो थोड़ी ब्रॉडर लेवल पर किया है, यानी कि थोड़ी मॉडर्निज्म में रह के किया है, तो डेफिनेटली उनके बच्चे ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। एंड स्पेशली जब पेरेंट्स फ्रेंडली होते हैं अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा, तब उनके बच्चे चाहे हॉस्टल्स में रहें चाहे जहाँ मर्जी रहे, वो अपनी लिमिट्स को, उनको पता होता है कि मेरी लिमिट्स क्या है। कहा जाता है कि तुम एक पढ़ी लिखी माँ दो, मैं एक पढ़ी लिखी कौन दूंगा, अगर यहाँ पे माएँ हमारी ये जो बच्चियाँ हैं अगर इस तरह नशों पर लग जाएँ और इस तरह की हरकतें करें, तो क्या आपको लगता है आने वाला फ्यूचर, जो आने वाले बच्चे हैं, उनकी अच्छी तरबियत कर सकेगी, वो उनको एक अच्छा सबक या लेसन कुछ दे सकेगी कि हम अपनी ज़िंदगी में ये अच्छा करके आई हैं और आप भी अच्छा करो? बात जैसे कि आपने कहा कि नहीं, पॉलिन बोनापार्ट की आपने बड़ी ज़बरदस्त कह लें कि एक वर्ब यूज़ किया है, प्रोवर्ब यूज़ किया है कि जिसमें कहा कि आप अच्छी, हमें अच्छी माएँ दें, हम आपको वो देखो यार, बेसिकली मैं वही बात करूँ कि जो पाकिस्तानी माशरा है ना हमारा स्पेशली, चाहे कोई दूसरा माशरा भी है, उसमें आपकी जो पेरेंटिंग होती है ना वो बहुत मैटर करती है, बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, ठीक हो गया। अब जो हम कहते हैं कि माँ का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि माँ सारा दिन घर रहती है, उसे अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक हो गया। लेकिन आई थिंक सो मैं कहती हूँ कि जितना बच्चे स्पेशली डॉटर्स जो होती हैं वो अपने डैड के साथ ज़्यादा अटैच होती हैं एज़ कम्पेयर टू मदर्स, और जो कहते हैं कि सन जो होते हैं वो अपनी मम्मा के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बोथ फादर एंड पेरेंट, फादर और मदर को ये चाहिए कि अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें, ठीक हो गया, और अच्छे तरीके से गाइडेंस करें तो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। अगर वो फ्रेंडली नहीं है अपने बच्चों को हर टाइम एक उन पर कह लें कि ज़ोर ज़बरदस्ती चला देता, बच्चे ऐसी हरकतें लाजमी करते हैं और फिर ऐसी वीडियो सामने आ जाती हैं। टूरिज्म तो असल ये है ना कि आप तरक्की कितनी कर रहे हो, आप आगे कितना बढ़ रहे हो, लेकिन हमारे माशरे में मतलब तलीम को समझा नहीं जाता, बस अपने ऊपर से गुजार के ज़रा वो है शशके मारने के लिए किया जाता है। एंड देन लास्ट में आप ऐसे पेरेंट्स को और ऐसे जो स्कूल हैं इनके इंतजामिया को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही कहूँगी कि यार देखो, एजुकेशन इज़ नॉट अ बिजनेस, आप एक नस्ल को संवार रहे हो उस स्कूल के अंदर बैठ कर, ठीक हो गया। आप करोड़ों कमाते हो, आप बिलियंस कमाते हो, दैट डजेंट मैटर, आप बिलियंस में इनकी फीस पे करते हो, दैट डजेंट मैटर, मैटर ये करते हैं कि उस बच्चे
बच्चे की ग्रूमिंग कैसी हुई है, उस बच्चे का करेक्टर कैसे है। आई एम अ कॉन्वेंटेरियन बेसिकली, एंड कॉन्वेंटेरियन जो है वो फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने एक मिशनरी स्कूल से अपना जो मैट्रिक क्लियर किया है, एंड आज भी वो ग्रूमिंग यहाँ पर नजर आती है, एंड लोग डिफाइन करते हैं और देखते पहचानते हैं कि आप कॉन्वेंट से पढ़े हुए हो, बेशक आप कह लें कि एबिक से पढ़े हुए हो, आप डिफेंस के महंगे स्कूल हो, जब तक आपकी ग्रूमिंग अच्छी नहीं है, जब तक आपके अंदर की वो पर्सनैलिटी उभर के बाहर नहीं आती, लोग आपको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। उसके जिम्मेदार कौन है, आपको क्या लगता है? उसके जिम्मेदार यार जाहिर सी बात है अथॉरिटीज हैं, स्कूल्स की अथॉरिटीज हैं, ठीक हो गया, उनको पता होना चाहिए। वो कहते हैं नहीं वो हमें फीसिस दे रहे हैं, हमें अपना मुंह बंद रखने, क्यों मुंह बंद रखें? तालीमी अदारों को बिजनेस बना के रख दिया गया, वो बिजनेस कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है। वो कहते हैं वो हमें फीस ज्यादा दे रहा है, हमें अपना मुंह बंद रखना है, उसका बाप किस सीट पर बैठा हुआ है, मुझे अपना मुंह नहीं। एजुकेशन इज एजुकेशन, उसका एजुकेशन लेवल पर तो चला के देखो, तब आपकी बच्ची की ग्रूमिंग भी अच्छी होगी। एंड स्पेशल मैम थैंक यू, वेलकम। तो जी नाज़रीन, हमने आवाम की राय आपके सामने रखी, और मैं अगर अपनी पर्सनल राय दूँ तो इसमें सरासर वालदैन की गलती है जो अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देते, टाइम नहीं देते, और उनको चेक नहीं करते कि हमारे बच्चे के क्या एक्शन है और वो किस तरफ जा रहे हैं। और इसी तरह जो बच्चे हैं वो नशे जैसी लत में लग जाते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान।